चैनल ऑफ डिजिटल टूरियल टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक बारे में बात करेंगे रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक के बारे में और कंटेंट ऑफ द वीडियो है बुक ऑफ रिटर्न बाय एम मॉरिस मैनो ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम मॉरिस मैनो की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है उनसे ये कंटेंट लिया गया है सो लेट स्टार्ट डिजिटल सिस्टम इज सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम डिजिटल सिस्टम क्या है एक सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम है और वो सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम किससे बनता है फ्लिप फ्लॉप और गेट से और वो सीक्वेंशियल सर्किट को हम कैसे डिफाइन करते हैं हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं स्टेट टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप और गेट के थ्रू लॉजिक सर्क्यूट जो सीक्वेंशियल लॉजिक है उसको ड्रॉ करते हैं स्टेट चेंजेस को देख के नाउ अगर बहुत बड़ी एक सर्क्यूट हो इफ द डिजिटल लॉजिक सर्क्यूट इज वेरी लार्ज और द डिजिटल सिस्टम इज वेरी लार्ज ओके व्हाट विल है वेरी वेरी लार्ज स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम दू इम्पॉसिबल इतना बड़ा लॉजिक डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल है ओके सो एट दाइम हम लॉजिक जो डिजाइन करेंगे लॉजिक डायग्राम जो डिजाइन करेंगे जो गेट लेवल ऑफ लेवल में सर्क्यूट को ड्रॉ करता है वो हम नहीं करेंगे रेदर वी विल पार्टीशन होल डिजिटल लॉजिक और डिजिटल सिस्टम इन टू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स एंड सी हाउ इच मॉड्यूल विद इंटरक्ट विच अदर अब जब डिजिटल सिस्टम आपका बहुत बड़ा है तो सिस्टम में हम इतने लो हाइडार्की में नहीं जाएंगे जहां पे हम लोग हर एक लॉजिक फंक्शन को फ्लिप फ्लॉप और गेट के थ्रू डिफाइन करेंगे रादर हम क्या करेंगे इस डिजिटल सिस्टम को कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक मॉड्यूल दूसरे के साथ दूसरे के साथ किस तरह से डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ के थ्रू इंटरैक्ट करता है वो हम डिफाइन करेंगे ओके नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड द स्टेट डायग्राम एज द नंबर ऑफ स्टेट वुड बी वेरी लार्ज जैसा मैंने बताया इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बहुत इम्पोसिबल थिंग हो जाएगा कि अब स्टेट डायग्राम बनाऊ मैं इतने बड़े एक लार्ज डिजिटल सिस्टम का और उसमें क्या मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है इतने बड़े सिस्टम का अगर मैं स्टेट डायग्राम बनाने जाऊं हम मैन्युअली करने जाऊ तो बहुत मिस्टेक्स भी होंगी सो नेक्स्ट इम्पॉसिबल एक टास्क हो जाएगा लार्ज डिजिटल सिस्टम इज पार्टीशन इन टू मॉड्यूलर सिस्टम सच रजिस्टर्स काउंटर्स डिकोडर्स मल्टीप्लेक्स एरिथमेटिक एलिमेंट्स एंड कंट्रोल यूनिट एरिथमेटिक एलिमेंट में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जैसे एड्ट्रैक्टर एंड द कंट्रोल लॉजिक द मॉड्यूल्स इंटरक्ट विथ कॉमन डेटा एंड कंट्रोल पार्ट मैंने जैसे बताया इस लार्ज डिजिटल सिस्टम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में पार्टीशन करेंगे वो मॉड्यूल कैसे होंगे वो मॉड्यूल रजिस्टर्स हो सकते हैं वो मॉड्यूल काउंटर्स हो सकते हैं वो मॉड्यूल डिकोडर के भी हो सकते हैं वो मॉड्यूल मल्टीप्लेक्सर के भी हो सकते हैं वो जो मॉड्यूल्स है और कंट्रोल लॉजिक भी हो सकते हैं और वो लोग वो सारे मॉड्यूल इंटरैक्ट करेंगे कॉमन गेट कॉमन डेटा एंड कंट्रोल पाथ के थ्रू नाउ वी कैन नॉट डिस्क्राइब द डिजिटल सिस्टम एट द गेट एंड फ्लिप फ्लॉप लेवल अब बहुत हाई, जो फ्लॉप है बहुत low in the hierarchy है। हम थोड़ा वी गो और फ्लिप फ्लॉप लेवल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ डिजिटल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन सच एस एडर्स नीड अ हायर लेवल ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन अब डिजिटल सिस्टम को फंक्शन जैसे एडर का फंक्शन हो डिकोडर का फंक्शन हो रजिस्टर के थ्रू अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मुझे मैथमेटिकल नोटेशन चाहिए जो हाई लेवल का हो और जो आपको बता सके कि, कि किस तरह से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा और किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम फॉर्म होगा इन मॉड्यूल से एंड दैट मैथमेटिकल नोटेशन इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर्ड मैथड अब रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक मैथड यूज एक्सप्रेशंस, और स्टेटमेंट यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी मैथमेटिकल नोटेशन है कैसा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा है जिसमें कुछ सेट ऑफ एक्सप्रेशन होंगे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे ओके द द मैथमेटिकल नोटेशन स्पेसिफाई सेट ऑफ इंटरक्शन बिटवीन वेरियस डिजिटल फंक्शन सो मैथमेटिकल नोटेशन क्या करेगा वो स्पेसिफाई करेगा डिजिटल फंक्शन के बीच का इंटरक्शन द बेसिक कॉम्पोनेट ऑफ दिस रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक मैथडो द डिस्क्राइब डिजिटल सिस्टम फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल अब जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स है जो रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक के होंगे और जो डिस्क्राइब करेगा डिजिटल सिस्टम फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल में जो बेसिक कंपोनेंट होंगे जो डिजिटल रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक मैथड में वो क्या करेंगे वो डिस्क्राइब करेंगे डिजिटल सिस्टम को ऑपरेशनल लेवल में अब ऑपरेशनल लेवल क्या होता है द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड बाई द सेट ऑफ रजिस्टर्स इन द सिस्टम एंड दर फंक्शन द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रजिस्टर

अब हम सिस्टम में डिफाइन करेंगे कुछ रजिस्टर्स है और एक हर एक रजिस्टर का क्या फंक्शन है क्या वो बिट रजिस्टर है क्या वो स्टोरेज रजिस्टर है क्या वो एन बिट रजिस्टर है वो कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होगा द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर इन रजिस्टर वो किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा रजिस्टर में सो so, वो ऑपरेशन डिफाइन करेगा उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रजिस्टर रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन से मैनिपुलेट करेंगे या फिर हम उसको लॉजिकल ऑपरेशन से मैनिपुलेट करेंगे द कंट्रोल फंक्शन दैट इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अब वो कंट्रोल फंक्शन कैसा होगा जो इनिशिएट करेगा ऑपरेशन को मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरह से होगा अ रजिस्टर डिफाइन एंड रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक नोटेशन ऑल अदर टाइप ऑफ रजिस्टर जैसे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स एंड मेमोरी यूनिट्स। अब रजिस्टर हम किसको कह रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक का जब नोटेशन डिफाइन करेंगे एक रजिस्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है शिफ्ट रजिस्टर वो हो सकता है काउंटर या फिर वो हो सकता है मेमोरी यूनिट्स उंडर इज कंसिडर्ड टू बी अ रजिस्टर फंक्शन इज टू इंक्रीमेट बाई वन द इंफॉर्मेशन स्टोर विद इन एट तो काउंटर को हम रजिस्टर कैसे कंसिडर करेंगे जिसका फंक्शन क्या होगा उसके अंदर का जो काउंट है उसको वी विल इंक्रीज बाय वन ओके मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ स्टोरेज रजिस्टर्स स्टोरेज रजिस्टर्स वेर द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड तो मेमोरी यूनिट क्या होगा स्टोरेज रजिस्टर जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा स्टैंड अलोन रजिस्टर द स्टैंड अलोन रजिस्टर इज टेकन टू बी वन वन बीट रजिस्टर वन बिट रजिस्टर को हमको क्या कंसिडर करेंगे स्टैंड अलोन रजिस्टर

इन हिमिट्स द ऑपरेशन सो कंट्रोल फंक्शन एक बाइनरी वेरिएबल है ओके okay? वो बाइनरी वेरिएबल जब एक बाइनरी स्टेट में होता है तब एक ऑपरेशन को इनिशिएट करता है जब वो बाइनरी स्टेट दूसरे बाइनरी स्टेट में जब वो वेरिएबल दूसरे बाइनरी स्टेट में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है वो इनिबिट करता है ऑपरेशन को स्टेट में इन अ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है वो क्या कंसिस्ट करता है कंट्रोल फंक्शन एंड अ लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरी जो माइक्रो ऑपरेशन के टाइप है डिजिटल सिस्टम में उसको हम फोर कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर कैन बी एरिथमेटिक ऑपरेशन आर एंड मैनिपुलेटेड जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है डेटा स्टोर हुआ है जो रजिस्टर में सो उसपे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जहां नंबर्स आर मैनिपुलेटेड कंट्रोल इंफॉर्मेशन आर मैनिपुलेटेड विथ लॉजिक ऑपरेशन सच सेटिंग एंड क्लियरिंग द स्पेसिफाइड बिट इन द रजिस्टर कंट्रोल ऑपरेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं लॉजिक ऑपरेशन के थ्रू जहां पे हम सेट या क्लियर करते हैं एक रजिस्टर के बिट को कंट्रोल फंक्शन इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ टाइमिंग सिग्नल अब जो कंट्रोल फंक्शन होता है जो इनिशिएट करता है कि ऑपरेशन के सीक्वेंस में होंगे टाइमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली ओके okay, तो वो कंट्रोल फंक्शन डिफाइन करता है कि किस तरह से एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन आएगा बेस्ड ऑन द टाइमिंग सिग्नल और एक ऑपरेशन एट ए टाइम होगा ओके okay, ये सब चीजें कंट्रोल फंक्शन डिफाइन करता है दो चार आपके डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल है वो क्या क्या है इंटर रजिस्टर ट्रांसफर एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन जो आपके चार तरह के माइक्रो ऑपिश ऑपरेशन पॉसिबल है रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक में वो है इंटरस्टेट इंटर रजिस्टर ट्रांसफर मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है जो एडर सबस्ट्रैक्टर के थ्रू होता है या डिवाइडर मल्टीप्लायर्स भी होते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन भी हैं जिस तरह से आपका एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन या फिर मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ऑपरेशन होते हैं शिफ्ट ऑपरेशन शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट सर्कुलर शिफ्ट ये सारे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में आते हैं होप आई एम मे एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीएल रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक ओके इन माई कमिंग वीडियोज वी विल स्टडी इट इन डिटेल होप मैंने आपको रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक का इंट्रोडक्शन प्रॉपरली समझाया होप आपको यह पसंद आया होगा इफ यू लाइक द चैनल प्लीज क्लिक द बेल बटन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी टू प्रोवाइड इवन मोर यूजफुल वीडियोज थैंक यू हैव ए नाइस डे बाय